देश के माओवाद प्रभावित राज्यों में हर साल नक्सली पीएलजीए सप्ताह मनाते हैं और अपने इस पीएलजीए सप्ताह के दौरान फोर्स को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन पीएलजीए सप्ताह होता क्या है और आखिर नक्सली इसे क्यों मनाते हैं, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं अशोक नायडू और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। दरअसल नक्सलियों के द्वारा मनाए जाने वाले पीएलजीए सप्ताह को पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी कहा जाता है। इसकी स्थापना नक्सलियों ने सन 2000 में की थी। हर साल 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक नक्सलियों के द्वारा पीएलजीए सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान नक्सली विभिन्न पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए अपने साथियों के नाम जारी करने के साथ ही पूरे साल भर का लेखा जोखा जारी करते हैं। इसके अलावा आने वाले साल में संगठन किस तरह से चलाई जाएगी, इसकी भी प्लानिंग नक्सलियों के बड़े लीडर के द्वारा की जाती है। बकायदा इस पीएलजीए सप्ताह के दौरान नक्सली संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर के साथ ही सबे बड़े छोटे नक्सली इस बैठक में शामिल होते हैं और इस पीएलजीए सप्ताह के दौरान माओवाद प्रभावित राज्यों में बंद का ऐलान भी किया जाता है। साथ ही सुरक्षा बलों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए प्लानिंग की जाती है और इस पीएलजीए सप्ताह के दौरान बड़ी संख्या में नक्सली जमकर उत्पात भी मचाते हैं। 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक मोदी द्वारा पीएलजीए सप्ताह मनाए जाते हैं। इस दौरान किसी न किसी प्रकार का जो नकारात्मक घटनाओं को अंजाम देने का, कोई वायलेंट एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए उनके द्वारा कोशिश की जाती है। इन सब तमाम परिस्थिति को देखते हुए सभी कैंप्स को अलर्ट किए गए थे। सभी प्रमुख मार्ग को 24/7 चालू रखने के लिए हमारा जो रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन है, पुरानी जितना भी नक्सलवादी अभियान के जो तरीके होते हैं, इसके माध्यम से स्थानीय पुलिस बल डीआरजी एसटीएफ कोबरा और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा बीएसएफ आईटीबीपी सीआरपीएफ एसएसबी सभी अपने अपने इलाके में लगातार नक्सलवादी अभियान संचालित कर रहे हैं। हमारा पूरा कोशिश रहा कि इस अवधि में किसी प्रकार का जनता का असुविधा ना हो, मार्ग सब संचालित रहे, किसी प्रकार का तकलीफ हम क्षेत्र की जनता को उठाना ना पड़े, उसी दिशा में लगातार भी ऑपरेशन संचालित की जा रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों की तुलना में नक्सलियों के पीएलजीए सप्ताह के दौरान बस्तर पुलिस को काफी सफलता मिल रही है। पुलिस के जवानों ने नक्सलियों के मांद में घुसकर कई कैंप को ध्वस्त करने के साथ ही 50 से अधिक पीएलजीए सदस्य को भी मार गिराया है और कहा जा सकता है कि बस्तर पुलिस लगातार बस्तर में नक्सल ऑपरेशन के दौरान सफलता हासिल कर रही है। वहीं नक्सलियों को इससे भारी नुकसान पहुंच रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।